एक समय की बात है, एक जंगल में एक बड़ा समुद्र था। इस समुद्र में रहने वाले प्राणी बहुत खुश रहते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने का बहुत सारा समुचित आहार मिलता था। एक दिन इस समुद्र के किनारे एक बंदर अपने दोस्त कछुआ के पास आया। उसने कछुए से कहा, हमें इस समुद्र में रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें यहाँ का खाना कैसे मिलेगा? कछुआ ने ध्यान से सुना और फिर कहा, मेरे पास एक विचार है। हमें इस समुद्र में रहने के लिए हमें उन पत्थरों का उपयोग करना चाहिए जो यहाँ के किनारे पड़े हुए हैं। बंदर ने चिंता करते हुए पूछा, पत्थरों का उपयोग करने का कैसा विचार है? कछुआ ने बताया, हमें उन पत्थरों को मिलकर एक झूला बनाना चाहिए। तुम मुझसे ऊपर झूल सकोगे और खाने के लिए जंगल में घूम सकोगे। फिर तुम मुझे नीचे उतार सकोगे और मैं तुम्हें ऊपर ले आऊंगा। बंदर ने खुशी से कहा, यह आपका विचार बहुत अच्छा है, हम यह करेंगे। तभी एक बड़ी बाढ़ आई और समुद्र का पानी ऊंचाई में बढ़ने लगा। बंदर और कछुआ ने वहां खड़े होकर यह देखा और परेशान हो गए। बंदर चिंता में अपने आप से बोला, अब हम कैसे बाहर जाएंगे? इस बाढ़ के लिए हमारे पत्थरों का कोई उपयोग नहीं होगा। कछुआ धीरे से हंसा और कहा, बंदर, अब हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाढ़ बादलेगी और पानी फिर से नीचे चला जाएगा। हमें इंतजार करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। बंदर ने कछुए की सलाह मानी और दोस्ती बनाई। वे बाढ़ के खतरे के बावजूद धीरे धीरे समय बिताने लगे। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा और समुद्र का पानी अपने सामान्य स्तर पर लौट आया। बंदर और कछुआ खुशी से झूला बनाने का योजना फिर से आरंभ कर दिया। उस दिन से बंदर और कछुआ एक दूसरे की मदद करते रहे और हमेशा साथ में खुश रहते थे। उनकी मित्रता दूसरों को भी प्रेरित करती थी और सबको यह याद दिलाती थी कि सहयोग और समर्पण सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है।